गुवाहाटी बहुत पहले से बहुत पसंद है जी। और पिछले 20-22 साल से गुवाहाटी आना जाना रहा है जी। और कामाख्या माँ के दर्शन बहुत करने आया है। और गुवाहाटी बोलते हैं जैसे इंडिया में दो चार फेवरेट प्लेस है, तो उसमें एज एन एक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन बींग और एज ए इंडियन सिटीजन हमेशा बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वी हैव जम्मू, भी है कश्मीर, भी है गोवा एंड भी है, अरे अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं, अब वी हैव गुवाहाटी। तो गुवाहाटी एक बोलते हैं ना कि मिनी मुंबई का फील हमेशा यहाँ के, क्योंकि बहुत लड़के लड़के हमारे साथ NST में पढ़ते थे, तो वो हमेशा गुवाहाटी के बारे में, आसाम के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो इसलिए मुझे नॉर्थ ईस्ट से हमेशा 15-20 साल में हमेशा लगाव रहा और आता हूँ तो बहुत खुश हो। सर आपने कहा है कि ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ रुक जाऊँगा या फिर मैं वहाँ रुक जाऊँगा, सिर्फ बढ़ते जाना है। हर दिन एक नया दिन है, भगवान हमें हर दिन एक नया देता है, तो हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो क्या कहेंगे सर टीनेजर्स को, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल सारी चीज़ें हैं उनके पास लेकिन कभी कभी असफल महसूस करते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। वो उनका उनका चिंतन, और मैं आपको एक चीज़ आगे बताता हूँ, मैन या वूमेन, एक साइलेंट ईगो है हम लोगों के अंदर, सबके अंदर, जिससे समझौता नहीं कर पाते हैं और वो ईगो हमें कहीं का नहीं रखता है। मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपकी आँखें आप बना लेते, अपना मुँह बना लेते, अपनी हाथ पैर और अपनी पूरी बॉडी बना लेते। 750 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, तो कोई विज्ञान नहीं कह सकते कि मैंने इसकी आंखें बनाई, और कोई माँ बाप नहीं कह सकते कि हमने बच्चे का ये शेप बनाया। एक मुझे हमेशा ये, मैं बहुत डीपली सोचता रहता हूँ कि एक आप माँ के पेट में एक ऐसा गर्भाशय जहाँ पे सिर्फ ब्लड और सिर्फ अंधेरा, भूख अंधेरा, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक वो ब्लड या कोई, और अगर ब्लड निकलने लगे तो फिर वो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, राइट। लेकिन वो उस अंधेरे कमरे में कौन आता है, कैसे उंगली बन जाती है, कैसे नाखून, कैसे बाल, और फर्स्ट टाइम एक हल्का सा मांस का आधा चना बराबर मांस का टुकड़ा होता है, उसमें पहली बार कैसे ब्रीदिंग आती है। तो मेरे लिए अगर दुनिया में कोई भी चीज़ अजूबी है वो ये है, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए सुबह उठ के थैंक यू अपने माँ बाप को बोलता हूँ या सबको बोलता हूँ कि जन्म मेरी चॉइस नहीं है और मृत्यु मेरी चॉइस नहीं है, तो हमारे पास में है क्या, ना हम अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं ना हम अपनी मर्जी से मर सकते हैं। तो जब दोनों काम नहीं कर सकते हैं तो हम किस बात की जिम्मेदारी उठा के खाम खा सर पर घूम रहे हैं जो हमारे कुछ बस में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर ने हमें दिया है और जो जिसने भी हमारे आँख कान बनाए हैं, मुझे उसको धन्यवाद करते हुए डेली सवेरे उठ के और दिन भर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, चाहे खेल के रूप में, चाहे मनोरंजन के रूप में, चाहे चलने के रूप में, चाहे बैठने के, और यही आदत बचपन से रही रास्ता चल रही है। सर कलाकार की कोई, कलाकार का कोई आकार नहीं होता ऐसा, कलाकार का बहुत लिमिटेड आकार होता है, कला का कोई आकार नहीं, कला जो है वो ब्रह्मांड से भी मतलब जितना बड़ा ब्रह्मांड है, आप एक सेकंड में ब्रह्मांड भी सोच सकते हैं कि कला समुद्र की सीमाएँ हैं, 71% 71% की दुनिया में समुद्र है, लेकिन कला के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कला हम आपके बीच में यहाँ जो सोचने लगो वही कला होता है। सर आपकी हर कैरेक्टर में आप घुस जाते हैं और साथ में सारी ऑडियंस उसके साथ बह जाती है, तो किस तरह से सर आप अपने आप को बहा के ले जाते हैं उस कैरेक्टर में? हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं और जो कैरेक्टर मिलता है हम उसमें नहीं घुसते, हम अपने अंदर उसको घुसा लेते हैं।
नहीं नहीं इसमें आप सबका आशीर्वाद है और कोशिश करता रहता हूँ ईमानदारी से भी। मुझे मनोरंजन करना अच्छा लगता है और मैं बचपन से मनोरंजन ही करता आया हूँ। और मनोरंजन इसलिए बोलता हूँ कि मनोरंजन जो है जीवन में एक ऐसी ऊर्जा देता है जो हमारे आपको जीने के लिए मिशन देता है, हमें खाने के लिए कि अच्छा क्या खा सकते। अगर मनोरंजन नहीं होता तो आदमी ये नहीं कहता कि कुछ अच्छा करते हैं। अगर मनोरंजन जब भी जब मकान अच्छा बनाते हैं, जहाँ अच्छा आता है तो वहाँ मतलब समझो आपके घर के दरवाजे पर आपके चेहरे आपकी आँखों के सामने पहले मनोरंजन खड़ा होता है। मनोरंजन मतलब जो आपके अंदर को बहुत प्रफुल्लित कर दे, वाह व्हाट अ हाउस, वाह क्या सड़क है, क्या पेड़ है। तो आई थिंक हम इस चीज़ से उसको दोनों को जोड़ के देखें। और सर टी सीरीज स्टेज वो दिखाया ताकि वो अपनी जो उनकी जो कला है उसे निखार सके, उसके बारे में आप क्या? नहीं बहुत अच्छी बात है कि पूरे हम लोग 125 करोड़ लोग हैं और देखा जाए तो अगर पूरे देश में कितने 676 ज़िले हैं, लगभग 700 ज़िले के आसपास हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकसभा में ऐसा चुनाव से पता लगता है 15-16 लाख वोटर होते हैं या कहीं 18 लाख कहीं 20 लाख, लेकिन जितने लाख वोटर हैं उतने ही हज़ार बच्चे बच्चियां हैं जिनको या तो उद्योगपति बनना है या खेलपति बनना है या मनोरंजन करना है या कुछ करना है, क्योंकि वो उनका जन अंदर से जो उनको अलाउ करता है वो उनको बनना पड़ता है। और मैं उसके लिए जो है ये हमेशा नहीं सोचता कि ये कैसे 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 क्यों क्यों कैसे कैसे कब कब क्यों 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 आप पूछते रहते हो। तो लड़कों के लिए अच्छा हो जाना ये एक हम लोगों की कोशिश है। और मेरा मानना है कि कोई भी संस्था जो कला को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देती है उससे जीवन में कोई घाटा नहीं, फायदे ही फायदे हैं। आप देखना ये सिटी आया है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लाखों बच्चे बच्चियों को बहुत फ़ायदा मिला, वो बाहर से भी लोगों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। और ऐसे मैं तो कहता हूँ ऐसे 50 इंस्टीट्यूट और खुल जाए तो भी हमारे यहाँ बच्चों की कमी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की बहुत बच्चों को दिशा के लिए कोई कोई मोटिवेशन वाले संस्था चाहिए। और आई थिंक जो आर्ट परफॉर्मिंग से संबंधित संस्थाएं होती हैं वो हमेशा बच्चों को जीने के लिए, बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सबके लिए मतलब जो है वो काम आता है। तो ये बहुत अच्छा योगदान है और मैं सबको इससे जुड़े हुए लोग सबको बधाई दी। सर सुबह आपके पता आपको पता चले कि आप लड़की बन गए, कल पकड़ लीजिए कल आपको पता चले कि आप लड़की बन गए, सबसे पहला काम कौन सा करें? आपके पास बैठूंगा और सोचूंगा तो आप दूल्हा कौन सा ढूंढूंगा ये पूछना पड़ेगा। सर रिलेशनशिप टिप्स? रिलेशनशिप बी ऑनेस्ट, आप डोंट चीट एनी। हम बचपन से माँ के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने धीरे धीरे हम धीरे धीरे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और फिर वो हमारे ब्लड में आ जाता है और फिर हम चीटर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, सबसे रिश्ता वही होता है जिसमें धोखा ना हो। और वो धोखा तब होता है जब एक तरफ से कहीं कहीं मन में चोर होता है, और अगर दोनों तरफ चोर नहीं है तो वो धोखा नहीं है, वही रिलेशन है, वही रिश्ता है और वही बात, वही प्यार। और सर प्यार की परिभाषा आपकी, आपका आत्मविश्वास, आपका आपका हार्डवर्क अगर आपके अंदर है, और तीसरा इन दोनों को करने के लिए जो आपका मन लगता है वो आपका प्यार है, वो अगर जिंदा है अपने कर्म के और अपने कॉन्फिडेंस के प्यार को जिंदा कीजिए, बस वो प्यार दुनिया में जहाँ भी जाएगा वो प्यार ही लेके आएगा। जैसे बोलते हैं ना बचपन से सुना था आत्मविश्वास परिश्रम प्यार सफलता की कुंजी, तो आदि ये बहुत सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल में एक मेरे मन में ऐसा आता है कि अगर आप यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर हार्ड वर्कर तो और आप लव को अंदर बसाए हुए तो आई थिंक फिर जो भी आप काम करोगे वो प्यार आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकता।
और सर पूरे गुवाहाटी वासियों के लिए टिप्स, यंगस्टर सभी के लिए कुछ ना कुछ, और सबके लिए खूब आगे बढ़िए, खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, चट्टे पट्टे, और सभी नॉर्थ ईस्ट वासियों को, गुवाहाटी वासियों को, असम वासियों को ढेर सारा प्यार, हमेशा आता था, आऊँगा, आपसे प्यार, आपको प्यार दे के जाऊँगा, आपसे प्यार लेके जाऊँगा, लोग पा।